आंदोलन का दौर है और यह दौर आज से नहीं चला आ रहा है। किसानों ने भारत भूमि के इतिहास में कई बार आंदोलन किए हैं। कहते हैं कि क्रांति का रंग लाल होता है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी यह रंग श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसका रंग नीला भी होता है। बात है सन 1859 की। बंगाल में गर्मियों के दिन थे जब हजारों रैयतों यानी कि किसानों, यूरोपीय प्लांटर, भूमि और नील कारखानों के मालिकों के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया था। यह रोष और निराधार संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलनों में से एक बन गया। इसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बंगाल में नील की खेती 18वीं शताब्दी के अंत से चली आ रही थी। यह दो मुख्य रूपों में प्रचलित थी, निज आबाद और रैयती। निज यानी स्वयं प्रणाली में प्लांटर उन जमीनों पर नील का उत्पादन करते थे जिन्हें वे स्वयं नियंत्रित करते थे। रैयती में किसान प्लांटरों के साथ अनुबंध के तहत अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। प्लांटर कई तरीके से भूमि पर अधिकार प्राप्त किया करते थे। वे जमीन से अस्थायी या स्थायी पट्टों पर निर्जन या बंजर भूमि ले लेते थे। उन्होंने जमींदारी और तालुकदारी के अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। कभी कभी नील की खेती उन किसानों की भूमि पर की जाती थी जिनके मालिकों की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो चुकी थी या जिन्होंने अपने गांव छोड़ दिए थे। बंगाल में नील की खेती मुख्य रूप से रैयती प्रणाली में की जाती थी। किसान एक अनुबंध प्रणाली के तहत नील बोते थे। इस अनुबंध की अवधि 1, 3 से 5 या 10 वर्ष तक होती थी। खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए अनुबंध के शुरुआत में प्लांटर किसानों को अग्रिम भुगतान किया करते थे। बदले में किसान अपनी भूमि पर नील की खेती करने के लिए सहमत हो जाते थे। अग्रिम भुगतान अधिकतर अक्टूबर या नवंबर में 2 रुपये प्रति बीघा की दर पर किया जाता था। अनुबंध के अनुसार जमीन में नील बोना, घास पात निकालना और नील को रंग के रूप में संशोधित करने के लिए उसे यूरोपीय प्लांटर के स्वामित्व वाले नील कारखानों तक पहुंचाने जैसे कार्य सम्मिलित थे। उत्पादन अवधि का अंत अगस्त या सितंबर में होता था। उस समय किसानों का खाता बनाया जाता था। ऋण खाते में अग्रिम भुगतान का मूल्य आमतौर पर 2 रुपये प्रति बीघा, जिस पर अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था, उस स्टैम्प पेपर का मूल्य 2 आना और 4 आना प्रति बीघा की दर से 4 से 5 सेर बीजों का मूल्य सम्मिलित किया जाता था। जमा धन में किसानों द्वारा प्रति रुपया 4 से 8 गट्टे के हिसाब से कारखानों तक पहुंचाए गए नील के पौधों के गट्टों का मूल्य सम्मिलित था। 1 बीघे से लगभग 10 से 12 गट्टे प्राप्त होते थे। ऋण और जमा धन के बीच का घाटा निकाला जाता था और उसी के अनुसार भुगतान किया जाता था। यदि किसान के पास कम या अधिक होता था तो उसका भी भुगतान किया जाता था, यदि नहीं तो उसके विरुद्ध एक ऋण निर्धारित कर दिया जाता था। ऋण के बावजूद उन्हें अगली ऋतु के लिए एक नया अग्रिम भुगतान दिया जाता था, परंतु ऋण पूर्ण अग्रिम राशि से काट लिया जाता था और अगली कृषि ऋतु के लिए किसान को केवल शेष राशि ही दी जाती थी। कुछ मामलों में यदि ऋण बहुत अधिक होता था तो किसानों को कोई नई अग्रिम राशि नहीं दी जाती थी और वह इसके बिना ही नील की बुआई करने के लिए बाध्य थे। नील की खेती की प्रणाली स्वाभाविक रूप से शोषणकारी थी। 1859 में नदिया जिले में उभरने के बाद विद्रोह 1860 के दशक में बंगाल के विभिन्न जिलों में फैल गया। किसानों ने भाले और तलवारों से नील कारखानों पर हमला किया। जिन प्लांटरों ने लगान की मांग की उन्हें पीटा गया। यहां तक कि महिलाओं ने भी बर्तन भांडे लेकर इस लड़ाई में भाग लिया। यह पाबना जिले में विशेष रूप से प्रभावशाली रहा, जहां किसानों ने आवेगपूर्ण रूप से नील बोने से मना कर दिया। जब बंगाल के उपराज्यपाल J.P. ग्रांट कुमार और कालीगंगा नदियों से बंगाल में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे ग्रामीणों को नील की खेती के विरुद्ध सरकारी आदेश लाने के लिए प्रार्थना करते देखा। महिलाएं भी समूह में एकत्र होकर उनका साथ दे रही थी। ग्रांट ने देश के इतने बड़े हिस्से में इतने शक्तिशाली प्रदर्शन में एक गहन अभिप्राय की अनुभूति की। नील की खेती को लेकर एक सामान्य अशांति को देखते हुए मार्च 1860 में इस प्रणाली के
अपकरों की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। नील आयोग में 5 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले W.S. सैटन कार और आर टेम्पल, ईसाई धर्म प्रचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेवजे सेल, यूरोपीय प्लांटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले W.F. फर्ग्यूसन और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रमोहन चटर्जी सम्मिलित थे। प्लांटरों, ईसाई धर्म प्रचारकों, मजिस्ट्रेटों, जमींदारों और किसानों के सहित 134 लोगों की गवाही सुनने के बाद आयोग ने अंततः अगस्त 1860 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पाया कि विशेष रूप से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था के कारण नील की खेती प्रणाली दमनकारी थी। कुछ किसान स्वेच्छा से इसमें फंस गए थे क्योंकि उन्हें लगान का भुगतान करना था और दुर्गा पूजा के वार्षिक उत्सव का जश्न मनाना था, जबकि अन्य इसके तहत पीड़ित थे क्योंकि उनके पिता या दादा ने अग्रिम भुगतान लिया था और अब वे ऋण के कुचक्र में फंस गए थे। बेटा बोता है क्योंकि वह मानता है कि वह अपने पिता के ऋण के लिए उत्तरदायी है। कपास डांगा में रहने वाले ईसाई धर्म प्रचारक अफसर ने आयोग को बताया कि उन्हें ऐसा एक भी किसान के बारे में नहीं पता था जिसने स्वेच्छा से अग्रिम भुगतान स्वीकार किया हो। किसानों को नील उगाने के लिए विवश किया जाता था और यदि उन्हें इनकार कर दिया तो उन्हें किसी और चीज़ की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस बाध्यकरण ने कारखानों के कर्मचारियों द्वारा कृषि संचालन के सख्त पर्यवेक्षण का आकार ले लिया था क्योंकि वे बंगाली आबादी के स्वभाव को अकर्मण्य, विलंबन करने वाला और विश्वासघाती मानते थे। किसानों के लिए यह एक संताप और उत्पीड़न था। उन्होंने समय समय पर शिकायत की कि उन्हें हल चलाने, ढेले कुचलने, डंठल हटाने, जमीन को चिकना करने के लिए तब तक कहा जाता था जब तक न तो उनका समय और न ही उनका श्रम उनका अपना रह जाता था। उन्हें निरंतर इतने अपमानों का पात्र बनाया जाता था कि वे नील के नाम से अत्यधिक घृणा करने लगे थे। फसल से कोई कैसे घृणा कर सकता है? यह पाया गया कि नील की खेती किसानों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं थी। यह एक ऐसा अटल सत्य था कि प्लांटर भी इसे इनकार नहीं कर सकते थे। उनमें से एक ने आयोग के सामने स्वीकार किया कि नील की खेती लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह लाभदायक नहीं है और किसानों को इसके जोखिम का संपूर्ण समाघात सहन करना पड़ता है। इसके अलावा भूमि के चयन में किसानों का कोई मत नहीं था। प्लांटर तय करते थे कि जमीन के किस हिस्से में नील बोया जाएगा। इसके लिए बोली भी नहीं लगाई जाती थी। प्लांटर इसका चयन पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार किया करते थे। इस प्रकार बारासात के मजिस्ट्रेट एशली इडन ने आयोग को बताया कि नील के किसान स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं थे, उन्हें विवश किया गया था। उन्होंने कहा कि किसानों को एक ऐसी प्रणाली के लिए सहमति देने के लिए विवश किया गया था जो लाभहीन थी और उनके विरुद्ध किए जाने वाले उत्पीड़न और हिंसा का कारण थी। शोषण केवल आर्थिक रूप में ही नहीं किया जाता था, किसानों को पूर्ण रूप से शक्तिहीन करने के लिए प्लांटरों और उनके सेवकों द्वारा उन पर शारीरिक बल का प्रयोग भी किया जाता था। एक किसान आबादी मंडल ने यह बताया कि एक दिन जब उसके मवेशी खुले मैदान में चर रहे थे तब 50 या 60 लठियाल, जिन्हें प्लांटरों ने किसानों को आतंकित करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्हें आम भाषा में लठैत कहते हैं, आए और उसके मवेशियों को ले जाने लगे। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर 8 दिन के लिए उसका अपहरण कर लिया गया। उसने कहा, मेरा सिर और जांघ घायल हो गए थे, उसके निशान अभी भी हैं। अफसर ने एक और घटना सुनाई कि एक कारखाना सहायक चावल के खेत में आया और उसने सभी किसानों को तुरंत नील के खेत में जाने की मांग की। एक किसान ने सहायक से अनुरोध किया कि वह उसे अपना काम पूरा करने दे और फिर वह उनके निर्देशानुसार काम करेगा, लेकिन यूरोपीय सहायक द्वारा उसे अंकरामक घूसों से पीटा गया। नील आयोग ने पुरुषों का अपहरण, मवेशियों को भगाकर ले जाना और पौधों को उखाड़ने जैसे संगीन अपराधों को होते हुए पाया। आयोग ने कहा कि यह बहुत कम मायने रखता है कि क्या किसान ने स्वेच्छा से अपना पहला अग्रिम भुगतान लिया या अनिच्छा से, क्योंकि परिणाम एक ही था, वह बाद में कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहा। एशली इडन ने विवरण दिया कि 1831 से 1859 तक उनके जिले में हत्या, मानव वध, दंगा, आगजनी, डकैती, लूट और अपहरण से संबंधित 41 मामले दर्ज किए गए थे। डब्ल्यू जे हर्शिल नदिया के कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें नादिया में भी इसी प्रकार के मामले दर्ज किए गए थे। अनुबंध प्रणाली की शोषक प्रवृत्ति के कारण कई किसानों ने अग्रिम भुगतान लिए और फिर अपने अनुबंधों के अनुसार कार्य करने से इनकार कर दिया। ऐसा विशेष रूप से विरोध आंदोलन के दौरान और तीव्र हो गया। नील प्लांटर संघ के अनुरोध पर 1860 में अधिनियम 11 पारित किया गया जिसमें किसानों द्वारा अनुबंध का उल्लंघन
एक अपराध घोषित कर दिया गया। प्लांटरों ने इस कानून का उपयोग किसानों के नियंत्रण और उत्पीड़न को और बढ़ाने के लिए किया। किसानों के विरुद्ध बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए। अंत में आयोग ने प्लांटरों और किसानों के बीच का संबंध असंतोषजनक स्थिति में होने की घोषणा की। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सुधारों का सुझाव दिया गया। पहला, किसान को अपनी इच्छा और शर्तों के अनुसार नील बोना चाहिए। दूसरा, अनुबंध का स्वरूप सरल होना चाहिए या 12 महीनों से अधिक का नहीं होना चाहिए। और यदि किसान ऋण संचय से बचने के लिए अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल हो तो अनुबंध का किसी भी प्रकार का नूतनीकरण नहीं होना चाहिए। तीसरा, कारखानों को स्टैम्प पेपर के लिए भुगतान करना चाहिए, न कि किसानों को। चौथा, नील के लिए भूमि का चयन दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाना चाहिए। पांचवा, कारखानों तक गाड़ी या नाव द्वारा पौधे पहुंचाने का खर्च कारखानों द्वारा वहन किया जाना चाहिए, न कि किसानों द्वारा। नील विद्रोह साहित्य, संगीत और फिल्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण एक उत्कृष्ट साहित्य है। आपको इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि यह उस समय की किसानों की विडंबना को बयान करता है, क्योंकि इसकी रचना 1859 में आंदोलन के दौरान हुई थी। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों के कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का विवरण दिया गया है। किसान गरीबी, उत्पीड़न, निर्दयता और अपान से जूझ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आवाज़ मिटने नहीं दी। नील की खेती न करने का उनका संकल्प अटल रहा। पंजीमुला नामक किसान के एक बयान ने इस भावना को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। मैं नील की खेती करने से अच्छा बंदूक की गोली से मर जाना पसंद करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।